नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड वैक्सीन की तैयारी है पूरी। पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मी तो दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिया जाएगा वैक्सीन। बर्मावाइंस में 8 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक की हुई जमकर धुनाई। पुलिस ने किया बीच बचाव, परिजनों ने फांसी दिए जाने की उठाई मांग। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में संपूर्ण सनातन समाज का हो योगदान। विहिप ने लिया संकल्प, देश भर में इकट्ठा किया जाएगा दान। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड वैक्सीन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 जनवरी को वैक्सीन की ट्रायल हुई थी, वहीं 8 जनवरी को भी वैक्सीन का एक ट्रायल किया जाना है। वहीं इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जिले के डीसी सूरज कुमार ने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन दी जाएगी, वहीं दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसको लेकर डेटा तैयार किया जा रहा है। डीसी ने कहा कि जिले में वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिस तरह सरकार की गाइडलाइन आती है उसके अनुसार लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन को लेके हम लोग के जिला में पिछले 2 तारीख को भी हम लोगों ने ड्राई रन किया था और साथ ही साथ 8 तारीख को दोबारा एक हम लोग ड्राई रन करने के लिए जा रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज में जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से हम लोगों को हेल्थ वर्कर को कोविड वैक्सीनेशन दिया जाना है। उसकी तिथि क्या होगी इसका हम लोग को इंटीमेशन विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम लोगों को कोविड वैक्सीनेशन देना है, इसके लिए डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ डेटाबेस में फ्रंटलाइन वर्कर की संख्या को देखते हुए जो सेशन साइट्स हैं जहां पर कोविड वैक्सीनेशन दिया जाएगा और जो टीम हम लोग को बनाना है उस टीम की संख्या और स्थान डिसाइड किए जाएंगे, जिसका हम लोग प्रॉपर पब्लिकेशन और पब्लिसिटी कर लेंगे। इसके बाद फिर जो है अग्रेटर थर्ड फेज में जो वल्नरेबल हैं या एल्डरली हैं उनको दिया जाएगा और फिर फोर्थ फेज में धीरे धीरे पूरे मास पॉपुलेशन को ये हम लोगों को कोविड वैक्सीनेशन देना है। तो इसकी तैयारी अप्रोप्रिएट और मुकम्मल है जिले में, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बर्मावाइंस में 8 वर्षीय दलित बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी शिक्षक सुरेंद्र कुमार को आज पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस जैसे ही आरोपी को एमजीएम लेकर पहुंची, वहां पहले से मौजूद बच्ची के परिजन और बस्ती के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये लोग इतने आक्रोशित हो गए कि आरोपी शिक्षक से मारपीट करने पर उतारू हो गए। हालांकि बिगड़ते माहौल को देखकर पुलिस ने तुरंत ही शिक्षक को घेर लिया और सुरक्षित पुलिस वाहन में बैठाकर कोर्ट में पेशी के लिए निकल गए। इस दौरान अस्पताल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामा करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। इस संबंध में बिरसा सेना के कोल्हान अध्यक्ष दिनकर कच्छप ने बताया कि पुलिस आरोपी को बचाने का काम कर रही है, उसे सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है, जबकि दलित बच्ची के साथ शिक्षक ने गलत हरकत किया है और ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये मामला है बर्मावाइंस थाना का और बीते गत दिनों एक 8 साल की बच्ची के साथ वो एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार और वो जिस जगह ट्यूशन पढ़ने जाती थी वो भक्ति नगर नगर आता है, तो वहाँ एक बच्ची को सेक्सुअल हरसमेंट किया जा रहा था। तो ये हमारे जो समाज दिख रहा है ये हमारे दलित समाज के लोग हैं, हमारे मुखी समाज के जो घासी समाज के हैं, उस बच्ची के साथ में ये सेक्सुअल हरसमेंट करने का तैयारी में था और ये बच्ची वहाँ से भाग गई और बच्ची के साथ में कुछ गलत करना चाहता था। और ये 50 साल का उम्र का एक व्यक्ति जो सुरेंद्र कुमार नाम है और सोच सकते हैं कि एक बच्ची का बाप है और ऑलरेडी ये शादीशुदा है, इतना एजेड आदमी, 50 साल का आदमी, एक छोटी सी बच्ची जो उनकी पोती की उम्र का है उसमें सेक्सुअल हरसमेंट, ये जो आज देख रहे भीड़, ये सारा का सारा वो समाज के वो लोग हैं जो उस पीड़ित बेटी के साथ में खड़ा है और इस तरह का जो घटना हुआ ये बहुत ही खराब घटना हुआ है, इसीलिए वो गुस्सा और ये आक्रोश है कि उसको जल्द से जल्द फांसी मिले। अगर इस तरह का जो घटना घटती है वो तो चलिए गनीमत मनाइए कि वो हम लोग के हाथ में लगा, तो हम लोग जिंदा ही जला देते।
पीएम मोदी के अयोध्या में श्री राम मंदिर जीर्णोद्धार के लिए आधारशिला रखने के बाद देश भर के सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले संगठन और संस्थाएं भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने में जुट गए हैं। ऐसे ही सनातनी संस्था विश्व हिंदू परिषद भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और लेह से लेकर लद्दाख तक अपने कार्यकर्ताओं के बल पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने में जुट गए हैं। गुरुवार को जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का लक्ष्य दिया गया। इस संबंध में विहिप के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष ने कहा कि जमशेदपुर से 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए किसी पर कोई दबाव या बाध्यता नहीं होगी। दान स्वरूप जो भी श्रद्धालु रकम दे वो स्वीकार्य होगा। वहीं विहिप के प्रचारक ने सनातन धर्मावलंबियों से इस महादान में शामिल होने की अपील की है। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी दानकर्ता जो है वो ऑनलाइन समर्पण करना चाहे, निधि समर्पण करना चाहे, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। उसके लिए जो है हम लोग पत्रक जो है प्रत्येक जगह जो है प्रकाशित कर रहे हैं, इसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है पत्रक में। तो जो स्वेच्छा से ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं दान तो दें, और नहीं तो प्रत्येक विश्व हिंदू परिषद के या हमारे संविचारी जितनी भी संस्थाएं हैं ये प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगी, ताकि हम लोग पूरे समाज को जोड़ के समाज के साथ मंदिर के निर्माण के साथ राष्ट्र का भी निर्माण करें। ऐसी योजना साधु संतों के सानिध्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई है। लक्ष्य का तो ऐसा है, ये तो दानदाताओं के ऊपर में है और दानदाताओं की कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने करीब 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य ले रखा है। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित राजेश भंडार में बीती रात चोरों ने दुकान का गल्ला तोड़कर 10 लाख रुपए नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि बुधवार देर रात तक दुकान के मालिक दुकान में ही थे। पेमेंट का लोड अधिक होने के कारण बचे हुए पैसे गल्ले में ही रखकर चले गए। सुबह दुकान खोलने पर गल्ला का ताला टूटा हुआ पाया। गल्ले से लगभग 10 लाख के आसपास नकदी गायब मिले। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही परसुड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस घटना के बाद बाजार समिति के दुकानदारों में रोष देखा जा रहा है। हम लोग बाजार समिति का रात को दुकान बंद करके करीब 9 बजे अपने घर चले गए थे, क्योंकि अभी हम लोग का सीजनल बिजनेस है तो लेट हो गया था। कल पैसा का लेन देन ज़्यादा था, हम लोग पैसा अभी रास्ता का दुर्घटना से बचने के लिए पैसा गल्ला में छोड़ के चले गए। सवेरे जब स्टाफ आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है, नीचे गल्ले का ताला भी टूटा हुआ है, उसमें जो पैसा रखा हुआ था वो लगभग 10 लाख रुपया था जो चोरी हो गया। सीसीटीवी कैमरा 6-6 कैमरा दुकान में लगा हुआ था, सबका तार नोच किया गया है, जो डीवीआर लगी थी उसको भी नोच करके वो लोग ले गए। बाजार समिति में परिसर में मंडी में वैसे तो गार्ड नियुक्त है, सरकारी खर्चे पे गार्ड को पेमेंट किया जाता है, लेकिन उसमें मतलब जिस तरीके की होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है। घटना की सूचना सुबह परसुड़ी थाना अंतर्गत मिला है, बाजार समिति अंतर्गत हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं और कितनी भी चोरी हुई ये सब सारा चीज हम लोग सब देख रहे हैं, अभी क्लियर नहीं कर पाए जो क्या हुआ। जमशेदपुर पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि बिष्टुपुर थाना पुलिस द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में शंकर महानंद और हिलेन मंडल को साउथ पार्क के समीप एक चोरी की बाइक और एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर वहां यामा में तब्दील कर प्रयोग में लाए जाने वाले मामले में धर दबोचा। सीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि एक बाइक टेलको थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी, दूसरे की जानकारी प्राप्त की जा रही है। दोनों साउथ पार्क इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कल दिन में बिष्टुपुर थाना का पदाधिकारी के द्वारा जो पुराने क्रिमिनल है उनका सत्यापन किया जा रहा था। जगह पर बैठा हुआ दो आदमी मिला जिसमें एक गाड़ी वो चोरी की थी सत्यापन के बाद मालूम हुआ, और दूसरी गाड़ी जो थी वो ग्लैमर थी जिसको मॉडिफाई करके यामा बना दिया गया था, तो वो भी
कानून विधि के अनुसार वो भी अपराध है। दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया और जो दो लड़के थे शंकर महानंद और एलन मंडल उनको भी हिरासत में लिया गया। रहने वाले एक जो है साउथ पार्क के रहने वाला है और एक जो है एक ताकि वही आसपास उसी आसपास का दोनों जो सट्टो जोड़ी थी वहाँ टेल्को से अभी वो पूछताछ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से खास महल स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचकर राज्य में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं पर रोष जाहिर करते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। साथ ही आक्रोशित महिला नेत्रियों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। रांची और मांझी की घटना की निंदा करते हुए दोषियों की शिनाख्त कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल खास महल स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पहुंचकर राज्य के राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जहां प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कल्याणी शरण ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। केवल ओरमांझी ही नहीं, राज्य के हर कोने में महिला पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ घटी घटनाओं ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस दोषियों को छोड़ रही है और निर्दोषों को सजा दे रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राज्य में बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए, मांग की बात नहीं है, चेतावनी दे रहे हैं। मांग तो मांगते मांगते अगर मांग अगर वो पूरा करते तो 24 घंटा के अंदर बलात्कारी को पकड़ के सामने दिखा देते। लेकिन एक ही जगह की बात नहीं है, ये बात पूरे झारखंड के हर जिला से कोने कोने से। अगर सबसे ज्यादा ये लोग आज इतना बैठक कर रहे हैं, इतना कैबिनेट में बैठ रहे हैं, उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इनको सबसे ज्यादा अगर उपलब्धि इनको प्राप्त हुआ है तो ये महिलाओं का बलात्कार का उपलब्धि प्राप्त हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के समय भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में लगभग 170 लोगों की आंखों की जांच हुई थी। सभी भाग लेने वाले लोगों के बीच अपने पसंद से लोगों ने पौधा आनंद मार्ग की ओर से ग्रहण किया, जिसमें 52 मोतियाबिंद के रोगी चयनित हुए जिनका आज सफल ऑपरेशन किया गया एवं लेंस लगाकर उन्हें चश्मा प्रदान किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से आज 52 चयनित मोतियाबिंद रोगियों का सफल ऑपरेशन पूर्णिमा नेत्रालय में हुआ। लेंस लगाया गया और चश्मा पहनाकर आज उन लोगों का विदाई किया गया। और आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं PCAPTO से आज 100 से भी ज़्यादा लोगों के बीच में निःशुल्क पौधा वितरण का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज दो नए काम किया गया आनंद मार्ग की ओर से। जमशेदपुर के जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की जयंती मनाई गई, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की जयंती मनाई गई। वैश्विक महामारी को देखते हुए इसे साधारण तरीके से मनाया गया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर कांग्रेसियों ने चलने का प्रण लिया। आज हमारे स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा जी की 60वीं जयंती जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी युवाओं के नेता थे, युवाओं के आदर्श है। हम युवा पीढ़ी उनके आदर्शों पर चलकर देश के समाज के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।